ये अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो गई और आपके पास कुछ चीजें मौजूद हैं। सवाल बनेगा, मैं कह रहा हूं, सवाल कैसे बनेगा समझिए। श्रीनगर पहुंच गए, बहन प्रियंका गांधी भी पहुंच गई और इस तरह से जो भी पिक्चर है उससे कोई लेना देना नहीं, ध्यान देंगे। 5 महीने में पूरी हुई 4000 किलोमीटर की यात्रा, ध्यान देना है। 7 सितंबर 2022 को केरल के कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बना सकता है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी इन्होंने तय की 140 दिनों में, मिस्टर राहुल गांधी ने। इन 140 दिनों में 9 दिन का इन्होंने विश्राम लिया जब इनकी मम्मा मिसेस सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी, जब रियासी के पास मौसम खराब हो गई थी, तो इन कंडीशन में बीच में इनको आना पड़ा। अब आइए, 12 सार्वजनिक सभाएं इस 140 दिन के दौरान इन्होंने 12 सार्वजनिक सभाएं की और 13 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 13 राज्यों से इनकी यात्रा गुजरी, 13 राज्यों से, तमिलनाडु से शुरू होकर केरल आए, केरल से कर्नाटक आए, कर्नाटक से फिर वो आंध्र प्रदेश की ओर गए, आंध्र प्रदेश से फिर महाराष्ट्र में एंट्री लिए, फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आए, फिर मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री लिए, फिर वो हरियाणा आए, फिर दिल्ली आए, फिर उत्तर प्रदेश भी गए, फिर पंजाब गए, फिर हिमाचल गए, फिर जम्मू कश्मीर गए। यानी जरा समझिए, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये कर्नाटका, और फिर वहां से गए आंध्र प्रदेश, फिर आए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कहां गए देखिए राजस्थान, कहां गए मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान आए, राजस्थान से हरियाणा आए, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से यूपी गए, यूपी से पंजाब गए, पंजाब से देखिए हिमाचल प्रदेश गए, हिमाचल से जम्मू कश्मीर गए। ये इनका यात्रा का क्रम आपको दिखता है, ठीक है। अगर इस यात्रा क्रम को देखें तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद कहां आ गए आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, उसके बाद कहां गए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, वहां से कहां आए राजस्थान, उससे बाद कहां गए बेटा हरियाणा, हरियाणा से कहां गए बेटा दिल्ली, दिल्ली से कहां गए यूपी, यूपी से कहां गए पंजाब, पंजाब से कहां गए हिमाचल प्रदेश, और वहां से कहां गए जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर। बेटा अब इनके कितने राज्य हो गए, 13 स्टेट से गुजरे। अब जरा इस राज्य का जो नक्शे में सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, कहां नहीं गए ये माइंड मेकअप करिए। सीक्वेंस में आता है कि गोवा नहीं गए, गोवा के बाद देखिए कर्नाटक आ गए, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना नहीं गए, ठीक है, तेलंगाना नहीं गए, अब तेलंगाना नहीं गए, एमपी गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं गए, अब आगे राजस्थान, गुजरात नहीं गए, अब आइए हरियाणा, ठीक है, दिल्ली ठीक है, यूपी ठीक है, पंजाब आए, हिमाचल गए, उत्तराखंड नहीं गए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं गए हैं। तो बेटा इस क्रम में, इस सीक्वेंस में बीच में 1 2 3 4 5 6 देखिए 13 6 19 राज्य की आसपास ये गुजरे, लेकिन इनमें से 13 राज्य में गए, 6 राज्यों में नहीं गए, माइंड मेकअप करके चलिएगा। और आइए इन राज्यों के कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरे, 75 जिलों से, 75 डिस्ट्रिक्ट से गुजरे, कुल मिला के ध्यान दें 7, ध्यान देना है 7 सितंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी 2023 को यात्रा संपन्न हुई है। तो कल यात्रा संपन्न हुई, तो 7 सितंबर 2022 शुरू कन्याकुमारी तमिलनाडु से और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंत हुआ 30 जनवरी 2023 को।
4000 किलोमीटर की यात्रा, 146 दिन, 13 राज्य, 75 जिले, माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है, क्लियर?